हर व्यक्ति चाहता है कि ये कोई कंपनी होगी, कल को बंद हो जाएगी, कल को ये भाग जाएगी। इसके बारे में इसको आप रीड करिए, समझिए। आप आज तक जिस साथी ने पैसा इतना कमाया नहीं, उसे कहीं ज्यादा आप इस सिस्टम को समझने के बाद अर्निंग ये कर जो सकते। मेटाफोर जो प्रोजेक्ट है, ये हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है। मेटाफोर्स जो सिस्टम है, मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है साथियों, मेटाफोर्स एक इकोनॉमी सिस्टम, ऑनलाइन अरे अर्निंग तू पैसा प्लेटफॉर्म है। पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? और क्या होता है पैसे का, पैसे के लगा दूं ढेरी। सभी को नमस्कार भाई, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापत सिमाणी, आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। आज की अपनी वीडियो मेटाफोर्स को लेकर के है भाई, मेटाफोर्स को लेकर के। साथ ही में बहुत से सवाल हैं कि मेटाफोर्स क्या है, मेटाफोर्स से किस प्रकार पैसा कमाया जाता है, किस प्रकार जो हमारे सुनहरे सपने हैं उनको हम पूरा कैसे कर सकते हैं। भाई जिस प्रकार कोई दिहाड़ी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई मतलब नौकरी करता है, तो मतलब वो काम करके और जो हमारे सुनहरे जो सपने हैं ऊपर तक जाने के, वो सपने कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाते। तो आज कल युवाओं में, सभी लोगों में एक ऐसा क्रेज है मेटाफोर्स को लेकर के, तो क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है भाई। उसको लेकर आज अपने साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री कश्मीरी लाल जी खानक से। तो ये अपने को पूरी जानकारी देंगे, हमारे मेटाफोर्स जो टीम है उनके सीनियर हैं ये, इनसे आप आज पूरी जानकारी लेंगे भाई मेटाफोर्स क्या है और इससे किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है। यानी कि मेटाफोर्स एक पैसा कमाने का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने सुनहरे सपने पूरे कर सकते हो। तो कश्मीर सिंह जी अपने साथ मौजूद, आप इनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका एनपीएस न्यूज स्टूडियो में। सभी दर्शकों को नमस्कार। माई सेल्फ कश्मीर सिंह। सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आज लोगों के अंदर बहुत उत्साह है कि मेटाफोर्स है क्या। मेटाफोर्स से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, कि आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है, और कुछ टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में प्रवेश कर चुकी हैं, लेकिन हमारे बहुत से साथियों को अभी पता नहीं है। सर मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा, सबसे पहले ये बता दीजिए कि मेटाफोर्स है क्या, क्यों मेटाफोर्स, या कोई कोई कंपनी है या कोई और सिस्टम है जिससे मतलब एक भय का माहौल हो जो भी है वो दर्शकों में बना रहता है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर दीजिए मेटाफोर्स है क्या। जी मेटाफोर्स एक इकोनॉमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ना ये कंपनी है, ना इनका कोई मालिक है, ना इनका कोई ऑफिस है, ना इनका कोई स्टाफ है, ना ये सिस्टम किसी से पैसे लेता है, ना इनका कोई अकाउंट है। क्योंकि आजकल बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं भाई, वो पैसा लेके फरार हो जाती है। तो सर आपके चैनल के माध्यम से मेटाफोर्स को संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज, ये जो मेटाफोर्स जो प्रोजेक्ट है, ये हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाला भविष्य है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में के बारे में अगर कुछ दर्शक सर्च करना चाहें तो अपनी इंडिया सरकार जो है वो अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करने जा रही है। इस चीज को जानने के लिए मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि गूगल पर जाके blockchain.gov.in, ये एक गवर्नमेंट की साइट है, इसके ऊपर जाके आप सर्च करिए। सबसे पहले गवर्नमेंट, पुलिस स्टेशन, तहसील कार्यालय और शिक्षण संस्थान जितने भी हैं उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करने जा रही है। इससे जितने भी बिचौलिए होंगे उनको गवर्नमेंट खुद खत्म करना चाहती है, ताकि जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाए। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है, इसके ऊपर अगर कोई भी डाटा गवर्नमेंट फीड कर देती है, कोई भी कंपनी अपना डाटा फीड कर देती है, तो इस सृष्टि के अंदर भी कोई इंसान, डाटा डालने वाला भी इंसान ऐसा नहीं है कि उस डाटे को डिलीट कर दे। अब मेटाफोर्स जो सिस्टम है, मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है साथियों, मेटाफोर्स एक इकोनॉमी सिस्टम, ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है, और ये ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहा है सर। अब ब्लॉकचेन के ऊपर रन करने का तो मतलब ही नहीं होता कि कभी कोई सिस्टम बंद हो जाए या इसके अंदर कोई कोई धांधली कर दे। सर एक बात और, अगर मेटाफोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या जो हम जो पहले से कोई कार्य कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ता है या फिर उसके साथ साथ कर सकते हैं? नहीं सर, देखिए कोई कार्य छोड़ने की जरूरत नहीं होती, जो अपना कार्य जो लोग कर रहे हैं वो ऑलरेडी करते रहेंगे, उसके साथ साथ आप इसमें, ये ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप अपने काम के साथ साथ इसको कर सकते हैं इजीली तरीके से। यानी कि अपना एक मीडियम फैमिली भी अपना 50-40 हज़ार रुपये, लाख 1.5 लाख रुपए तक इजीली आप इसे अर्निंग कर सकते हैं। सर मैं बात करना चाहूंगा, इसको शुरू कैसे किया जाए?
कोई साथी भी हम जुड़ना चाहते हैं तो मतलब किस प्रकार इसकी शुरुआत कर सकते हैं? सर, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको इस सिस्टम के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत हर किसी से होती नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि ये कोई कंपनी होगी, कल को बंद हो जाएगी, कल को ये भाग जाएगी। तो सर, इसको शुरुआत करने का जो औचित्य है, वो सबसे पहले आपको इसके बारे में, या दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि इसके बारे में इसको आप रीड करिए, समझिए आप इसको, ये प्लेटफॉर्म है क्या चीज। आज मेरे साथ के बहुत से साथी ऐसे हैं, सोचते हैं मेरी कंपनी है, लेकिन उनको पता नहीं है, क्यों अभी तक उन्होंने जानकारी ली नहीं है। तो ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक ऑनलाइन अर्निंग इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म है, और ये भविष्य में आप और मैं इस सृष्टि से चले जाएंगे, लेकिन ये जो मेटाफोर्स जो प्लेटफॉर्म है, ये कभी बंद नहीं होने वाला। कारण इसका यही कि ये ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है, यानी कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसके माध्यम से मतलब पैसा कमा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी नहीं सर, 7 पीढ़ी तक की बात कर सकते हैं जी। यानी कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है, ये मतलब लाइफ टाइम के लिए अपना खुद का होने वाला है। जिस प्रकार हम एक मतलब कोई भाई जमीन लेके छोड़ दी, कोई प्लाट लेके छोड़ दिया, और उसके माध्यम से मतलब हम वो एक कमाई का जरिया बन जाता है, और ये मतलब अपना एक मतलब प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो सर, इसके बारे में थोड़ा सा ये और बता दीजिए कि अगर ये कोई भाई ज्वाइनिंग करना चाहता तो मतलब कितना के पैसा इसके अंदर कमा सकते हैं? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जो मेरे मीडियम वर्ग के जो साथी हैं, आज तक जिस साथी ने पैसा इतना कमाया नहीं, उसे कहीं ज्यादा आप इस सिस्टम को समझने के बाद अर्निंग कर सकते। इसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को दो बातें और भी कहना चाहूंगा कि साथी, ये तो एक मेटाफोर्स के बारे में मैंने बताया है, इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी और भी हैं जो इंडिया में प्रवेश कर रही हैं। जैसे आजकल हर इंसान, हर साथी व्हाट्सएप को यूज करता है, फेसबुक को यूज करता है, उसके नीचे एक शब्द लिखा आता है सर, मेटा, META के नाम से। अगर इसको हम समझना चाहें तो ये मेटा नहीं, एक मेटावर्स टेक्नोलॉजी है, और मेटावर्स टेक्नोलॉजी आने वाला भविष्य है सर। ये एक वर्चुअल वर्ल्ड बनने जा रहा है, जैसे हमारा रियल में जैसे वर्ल्ड है, ऐसा ही एक वर्चुअल वर्ल्ड बनने जा रहा है, और वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर ढेर सारे मतलब बिजनेस के ऑप्शन होंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो जैसे हमारा ट्रांजेक्शन होता है गूगल पे फोन पे के माध्यम से, हम बैठे बैठे कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे ही मेटावर्स टेक्नोलॉजी में इंसान ट्रांसफर हो जाएंगे एक इंटरनेट के माध्यम से। अब ये बात चैनल के माध्यम से सभी दर्शक सुन तो रहे हैं, लेकिन ये बात हजम होने वाली नहीं। ये सुनने में थोड़ी अजीब लगती थी, भाई इंसान कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं? सर, ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपने घर बैठे बैठे जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं मनी की, ऐसे ही आप घर बैठे बैठे इस संसार के किसी भी कोने में जा सकते हैं। आपकी एक तस्वीर होगी, आपका एक प्रतिबिंब होगा, और इंटरनेट के माध्यम से आज जैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से आप और हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही हमारी बातें भी होंगी, जो हम रियल में जो बात करते हैं, रियल में जो काम करते हैं, हाथ भी मिलाएंगे, सारे काम उस मेटावर्स के माध्यम से होंगे। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को और बताना चाहूंगा कि अपनी इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने मेटावर्स के अंदर अपना कदम रख लिया है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब मेटावर्स टेक्नोलॉजी को, इन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं, तो कुछ तो खास है ना? खास है जी। लेकिन हमारे साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, आज भी आप इसको समझिए, मेरे से नहीं समझना चाहते, आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आप एंड्रॉइड फोन के माध्यम से गूगल पे जाके आप इसको सर्च करें, आप इसको समझें। ये एक बहुत बड़ा अर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये कोई कंपनी नहीं। मैं फिर दोबारा से आप अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है, और ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। ब्लॉकचेन के ऊपर रन करने वाला सिस्टम कभी भी खत्म नहीं होता। सर ने बहुत ही सुंदर शब्दों में मतलब बताया है कि मेटाफोर्स क्या है और किस प्रकार इसे पैसा कमाया जा सकता है। भाई ये सवाल हमारे मन में था जब हमने मेटाफोर्स ज्वाइन नहीं की थी, आज फिलहाल मैं भी मेटाफोर्स ज्वाइन कर चुका हूँ, और जो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि मेटाफोर्स जो है वो हमारे सुनहरे सपनों को पूरा करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो भाई आप भी इससे जुड़ सकते हो, भाई
आपके मतलब जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने खुद के भविष्य के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए आप भी मेटावर्स ज्वाइन करिए। मेटावर्स में ही तो सर, मेटावर्स ज्वाइन करने के लिए मतलब हमारे जो दर्शक है वो मतलब कहाँ मतलब किस प्रकार से कर सकते हैं और कहाँ आ सकते हैं? और उसको ज्वाइनिंग करने के लिए मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि ज्वाइनिंग करने से पहले सबसे पहले इस सिस्टम को समझ लें एक बार, और समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आपके माध्यम से भी दर्शक जान सकते हैं और दूसरा गूगल के माध्यम से भी सर्च कर सकते हो। गूगल के माध्यम से सर्च करना है सर अपना मेटाफोर्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ब्लॉकचेन के ऊपर अगर मैं बात करूं blockchain.gov.in एक गवर्नमेंट की साइट है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। तीसरा मेटावर्स टेक्नोलॉजी क्या है, ये टेक्नोलॉजी को अगर हम समझ लेंगे तो सर उसके बाद ज्वाइनिंग करना बहुत ईजी है। तो मैं तो दर्शकों से यही गुजारिश करूंगा कि एक बार इस सिस्टम को समझें, और दूसरा हमारे जो नरसी जी हैं एनपीएस न्यूज के माध्यम से भी सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आप नरसी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज के बारे में अधिक जानकारी के लिए। तो भाई ये थे हमारे साथ कश्मीरी सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब अपनी बात बताई मेटाफोर्स के बारे में, आपको जानकारी दी। अगर आपको मेटाफोर्स ज्वाइन करनी है तो आप एनपीएस न्यूज कार्यालय में सेठ पालाराम मार्केट में आकर के और मतलब इसकी पूरी जानकारी आप यहां से ले सकते हो। तो भाई क्या की देर कर दो वीडियो को शेयर, अगली वीडियो मिलेंगे फिर एनपीएस न्यूज के लिए। शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापत की विशेष रिपोर्ट।